देखो अच्छे क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइड्रोजन एटम में जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस 5.3 × 10⁻¹⁷ है। इधर देखो अच्छे, जो हाइड्रोजन एटम होता है, ये हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं है तो ये अपने फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, और फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो ये दे रखा है। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका रेडियस उसको आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कई बार हम लोग, तो ये होता है। तो इसका रेडियस थर्ड ऑर्बिट में पूछ रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जो रेडियस होता है हाइड्रोजन एटम में वो एन स्क्वायर से वेरी करता है ऐसे। तो थर्ड ऑर्बिट में पूछा है तो 3 का स्क्वायर × r0 हो जाएगा, तो इसके 9 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि थर्ड ऑर्बिट डायरेक्टली पूछ ले, वो कई बार घुमा देता है। वो कह देता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? फोर्थ ऑर्बिट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब फोर्थ ऑर्बिट। देखो जो n इज इक्वल टू 1 होता है इसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, n इज इक्वल टू 2 को इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्बिट या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे और n इज इक्वल टू 3 को थर्ड ऑर्बिट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट, नाम होता है अच्छे, इसका ध्यान रखना। अब इसके अलावा हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की दे रखी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में होती है एक्चुअली वैसे तो, ध्यान रखना। आप लोगों को एनर्जीज याद रहे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि अगर हम बात करें एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एटम में, वो किसी भी ऑर्बिट में निकालना है तो −13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। n क्या होता है, कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट में −13.6, सेकंड ऑर्बिट में −3.4, थर्ड ऑर्बिट में −1.51, फोर्थ ऑर्बिट में −0.85। ये सब याद होना चाहिए। ये टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये टोटल एनर्जी होती है। और जब मैंने पढ़ाया था आपको तो ये भी बताया था कि ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी जितनी ही होती है, बट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव में होती है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होती हैं। जैसे मान लो इसने दिया टोटल एनर्जी इतनी है, 3.4 बोला है, वाले तो −3.4 होती है, तो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अपने आप पॉजिटिव में +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो काइनेटिक पॉजिटिव क्यों और टोटल नेगेटिव क्यों, काइनेटिक पॉजिटिव क्यों और टोटल नेगेटिव क्यों। काइनेटिक पॉजिटिव बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है इसलिए पॉजिटिव, और टोटल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर किसी एक बॉडी की टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो बाउंडेड सिस्टम शो करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा के लिए क्या है, अपने प्रोटॉन से बंधा हुआ है, इसलिए उसकी टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। और अगर टोटल एनर्जी किसी सिस्टम की पॉजिटिव होती है तो बाउंडेड सिस्टम नहीं होता, फ्री है, समझो अच्छे। तो अब बात करें अगर पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स होती है, किसकी, काइनेटिक की और टोटल की, बट पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल नेगेटिव होती है। जैसे मान लो अगर टोटल एनर्जी −3.4 है तो उसका दुगना होगी, दुगना मतलब कि कितनी, दुगनी मतलब कि 6.8, और एक्चुअली ओवरऑल क्या होगी, वो नेगेटिव में होगी ये वैल्यू आएगी, समझे या नहीं समझे। जितनी टोटल एनर्जी होती है ना बॉडी की, जैसे ये उतनी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। जैसे मान लो इसमें पूछें कि जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब जिसे हम सेकंड ऑर्बिट कह सकते हैं, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा हमेशा के लिए फ्री करना है, ऑर्बिट से बाहर निकल के फेंकना है, मतलब इन्फिनिटी में ले जाना है, बाहर निकाल लेना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू। जैसे अगर इफ टोटल एनर्जी इज −3.4 देन आयनाइजेशन एनर्जी विल बी पॉजिटिव ऑफ दैट, मतलब +3.4। इससे क्या होगा, इसकी माइनस थी आपने इतनी पॉजिटिव दे दी, अब टोटल एनर्जी क्या होगी, जीरो। जीरो या पॉजिटिव टोटल एनर्जी हो जाने से सिस्टम बाउंडेड नहीं रहता है, फ्री हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। देखो बच्चों, हमें एच अल्फा बाल्मर निकालना है। बाल्मर सीरीज क्या होती है कि कहीं भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर जंप करे सेकंड ऑर्बिट में
इसे हम कहते हैं बाल्मर सीरीज, कहीं से भी ऐसे ऊपर से किसी से भी। और जब कभी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं, लैम्डा होती है वेवलेंथ, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो कौन सी वेवलेंथ का रेडिएशन निकालेगा, क्योंकि जब कभी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, रेडिएशन रिलीज करता है, समझ रहे हो बच्चे। आर होता है रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, क्या वैल्यू होती है बता सकते हो, 1.0097 होती है ना, 1.0 इंटू 10 की पावर, बोलो पक्का। ये रेडबर्ग कॉन्स्टेंट है, खैर हाँ नहीं इसकी वैल्यू लिखी नहीं होगी, रट लेना बच्चे, ठीक है लिखी नहीं होगी, बाकी सबकी होती है, लैंग्स कॉन्स्टेंट वगैरह तो मेंशन किया जाता है बट इसकी नहीं होती है, ठीक है। एन फाइनल मतलब फाइनल ऑर्बिट किस में आ रहा है वो, और एन इनिशियल मतलब कि इनिशियली वो किस ऑर्बिट से आ रहा है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर वो फाइनली सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, और एच अल्फा का मतलब क्या होता है, अगर थर्ड से सेकेंड में आ रहा है इसे कहते हैं एच अल्फा, फोर्थ से सेकेंड में आ रहा है इसे कहते हैं एच बीटा, सिक्स फिफ्थ से सेकेंड में आ रहा है इसे कहते हैं एच गामा, और सिक्स से सेकेंड में आ रहा है तो एच डेल्टा। तो एच अल्फा निकालना है तो हम यहाँ पुट कर देंगे, किस में आ रहा है सेकेंड में आ रहा है, किस से आ रहा है थर्ड से आ रहा है, सो सिंप्लीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है अच्छा। क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और इसे ग्राउंड स्टेट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका कुल मिला के मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे। कह रहे कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज को बिलोंग करेगा, देखो बच्चे ये पहला जो है ये बाल्मर को बिलोंग करेगा, क्योंकि जब कभी कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकेंड में आता है तो जो सीरीज जो सेट ऑफ वेवलेंथ होता है उसे हम बाल्मर सीरीज कहते हैं, और कहीं से भी जब फर्स्ट में आता है तो उसको हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड ये तो फर्स्ट पार्ट है छोटा सा, इसमें सेकेंड पार्ट में ये बात की गई है, पूछा गया है क्या रेशियो होगा किसका, किसका रेशियो पूछा बच्चों, वेवलेंथ का। तो बच्चों हमने ऐसे बताया कि आपको ये जो एमिटेड रेडिएशन है उसका वेवलेंथ का रेशियो पूछा हुआ है, क्योंकि इस ट्रांजिशन में भी एनर्जी रिलीज होगी, इसमें भी होगी, जब कभी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है ईएम वेव की फॉर्म में। तो इसके अंदर फर्स्ट वाले में क्या आएगा, ये फाइनल है ये इनिशियल है, क्या आएगा बच्चे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 9/5 R/36, ये फर्स्ट वाले में आ जाएगा, ठीक है डम डाउन। और सेकंड वाले में क्या आएगा बच्चों, कहाँ से कहाँ, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, 1/1 का स्क्वायर 1/3/4 ये है। अब रेशियो निकालना है तो हम इसको ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं, आर से तो आर कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा λ2/λ1=4/5 3/36 9 5/27। चाहे रेसिप्रोकल करना है आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको चाहिए आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से ट्रांजिशन में जो रेडिएशन एमिट होगा 275 नैनोमीटर का होगा, और इसके अलावा ये भी पूछा हुआ है कि कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ एमिट होगी। देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है कि जब कभी ट्रांजिशन होता है तो E=hν होता है या hc/λ होता है, ये हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं।
तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला है, तो लेमडा इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, एच सी बाई ई हो जाएगा। बट यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो एनर्जी डिफरेंस है ई है, ये किसमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये जूल में एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, क्या करेंगे बोलो, इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है हमारा, तो इसको हम एच सी और ई की वैल्यू क्या होती है, अच्छी फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू आ जाती है 12.375 × 10⁻¹⁷। मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, चेक करो एक बार। -7 ही होती है, क्या होती है पावर, देखो क्या नोट्स लाए हो, कोई नहीं चेक कर लेते हैं क्या है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको ई चाहिए। इसको ई यहाँ ले आओ, लेमडा यहाँ ले आओ, पुट कर दो। बच्चे बताओ कौन सा आ रहा है आपके हिसाब से, क्या वैल्यू आ रही है। ठीक बता दो क्या आ रहा है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम 10⁻¹⁷ में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, और ये करीब करीब आ जाएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन से ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस 4.5 है, इस वाले ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाले में है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाले में है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वाले में है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ बी आंसर क्या है, बी वाला ट्रांजिशन है। ठीक है, और रही बात सेकंड क्वेश्चन की, किसमें मैक्सिमम और किसमें मिनिमम वेवलेंथ एमिट हुआ है। तो देखो बच्चों, वेवलेंथ का जो रिलेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर एनर्जी से इन्वर्स है। इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका मिनिमम वेवलेंथ होगा। किसकी एनर्जी ज़्यादा है, डी वाले की एनर्जी ज़्यादा है मिनिमम, और किसकी एनर्जी कम है सबसे, एक ही कम है ना। अच्छे मैक्सिमम वेवलेंथ है, मतलब कोई डाउट। चलो अच्छे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है लाइमन एंड बारमेर सीरीज की। तो देखो बच्चों, जैसे हम लाइमन सीरीज की बात करें, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। दो केसेस स्पेशल होते हैं, एक सेकंड से फर्स्ट में कूदता है और एक एक इन्फिनिटी से फर्स्ट में कूदता है। जब इन्फिनिटी से फर्स्ट में कूदता है तो एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो सबसे हाई फ्रिक्वेंसी इन्फिनिटी से फर्स्ट वाले केस में होगी, बट वेवलेंथ सबसे कम होगी, मिनिमम वेवलेंथ। और अगर सेकंड से फर्स्ट में कूदता है तो एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, बट वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी सबसे। तो मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा हुआ है, तो इसका मतलब सेकंड से फर्स्ट की बात कर रहा है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर। किस में कूद रहा है ये देखो, ये हुआ इनिशियल और ये हुआ फाइनल। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा लॉन्गेस्ट ऑफ लाइमन। ठीक है, और लॉन्गेस्ट ऑफ बालमर निकालना है, तो बच्चों वो इसी तरीके से हो जाएगा। उसमें सिर्फ बात ये होती है कि थर्ड से सेकंड में कूद रहा है और इन्फिनिटी से सेकंड में कूद रहा है, तो इसमें जब बगल से कूदेगा तो लॉन्गेस्ट होगी, और जब ऊपर से कूदेगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। तो इसमें जब हम करेंगे तो यहाँ पर फाइनल ये है और इनिशियल ये है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए किस रेंज में होता है, कौन से स्पेक्ट्रम में होता है, देखो बाल्मर सीरीज हमेशा विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है, विजिबल मतलब दिखती है, तो ये विजिबल होगा। और लाइमन सीरीज यूवी में होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है,
और बाकी जो लाइमन बार्मर के अलावा होती हैं वो सब इंफ्रा रेड में होती है। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं सर मुझे याद नहीं रहेगा तो मैं क्या करूं, मतलब कैसे सर मेरे को, मान लीजिए मैं भूल जाऊं। तो एक बात का तो पक्का ध्यान रखना, बाल्मर तो विजिबल होती ही होती है, सबसे फेमस सीरीज है। बाकी अगर भूल जाओ कि लाइमन किस में होती है या बाकी पाशन वगैरह किस में होती है, तो एक आइडिया है। लाइमन सीरीज में क्या होता है, कहीं से भी फर्स्ट में जम्प करता है, तो कहीं से भी फर्स्ट में जम्प करता है तो एनर्जी डिफरेंस काफ़ी हाई होते हैं। एनर्जी डिफरेंस हाई होंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और विजिबल से अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हुई तो विजिबल से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होते ही हम किस में आ जाते हैं, यूवी में आ जाते हैं। समझ में आया? क्योंकि लाइमन सीरीज में फर्स्ट में जम कर रहा है, ऊपर से फर्स्ट में आ रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। समझ में आया? जैसे मान लो मैं भूल जाता हूँ, कभी मेरे को भूल जाता हूँ, तो मैं इसी तरीके से याद रखता हूँ कि भाई ऊपर से कूद रहा है, काफ़ी हाई एनर्जी डिफरेंस होगा, फ्रीक्वेंसी हाई होगी, हाई मतलब कि यूवी की तरफ, यूवी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, विजिबल से ज़्यादा होती है, तभी तो हार्मफुल होती है, कैंसर कर सकती है। ठीक है, और बाकी के केस में कम होती है, इंफ्रारेड। समझे बच्चे?